हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंसानिस फ्रॉम बायोलॉजी। होप आप सभी अच्छे होंगे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और अगर नहीं करा है तो वेट किसका कर रहे हैं, जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी जरूर हिट करिएगा, जिससे कि रेगुलर वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस सेशंस देखे होंगे तो आपको ये तो पता ही होगा कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे। तो अगर पता है तो जल्दी से कमेंट करके अभी बात बता दीजिए। हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर रहे थे सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन, मीडियन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोड, अब की लास्ट सेंट्रल टेंडेंसी जो कि होती है मोड। किसी भी डेटा में मोड ऐसी वैल्यू होती है जो आपके डेटा में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। अब अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूं तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये कुछ डेटा है, छोटे बच्चे हैं, उनके पास इतने नंबर ऑफ पेज है, ये सारे आपके बच्चे हैं, ठीक है, और इन बच्चों के पास इतने टॉयज हैं। मान लीजिए ये अलग अलग बच्चे हैं और इनके पास ये नंबर ऑफ टॉयज बता रहा है कि बच्चों के पास कितने नंबर ऑफ टॉयज हैं। अब अगर ये डेटा में हमें मोड निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि ये जो 33 वैल्यू है ये यहाँ पे भी है, एक दो तीन, 33 जो है आपका तीन बार आ रहा है और 23 आपका दो बार आ रहा है, यानी कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला वैल्यू है वो आपका 33 है। तो मोड इस डेटा का क्या हो जाएगा, 33। अब इसी में हम यहाँ पे अगर डेटा और बच्चों का, मान लीजिए हमने डेटा लिया उसमें 23 दोबारा आ गया, अब आप देख सकते हैं कि 23 कितनी बार आया, एक दो तीन, तो 23 भी तीन बार आ गया और 33 भी तीन बार आ गया। तो इस केस में हमारा डेटा जो है वो बाइमोडल हो जाएगा, यानी कि ऐसा डेटा जिसमें दो मोड हो। तो बाइमोडल का ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, और जो पहला वाला डेटा था जिसमें हमारा सिर्फ एक मोड आ रहा था तो वो यूनिमोडल होगा, यानी कि जिसमें जब हमने ये लास्ट वाले बच्चे को इंक्लूड नहीं करा था और जब हमारा मोड सिर्फ 33 था। तो अगर एक मोड है तो यूनि, दो मोड है तो बाइमोडल। अब इसी में हमने एक और वैल्यू ली, मान लीजिए 45 हमने लिया है, 45 और हमने डेटा अपना सैंपल साइज बढ़ाया और 45 भी अब कितने लोगों के पास हो गया, तीन लोगों के पास, एक दो तीन। अब ये जो डेटा है हमारा वो मल्टी मॉडल हो जाएगा, या अगर हमने और वैल्यू बढ़ा दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 16 लिया, फिर उसके बाद कुछ और वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए 20 है, फिर 16 है, फिर 18 है, देन 17, देन फिर से आया आपका 16। तो यानी कि आप देख सकते 16, 45, 23, 33, ये सारे आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे मिल रही हैं। तो इस केस में आपका ग्राफ जो होगा वो लास्ट वाला ये बना हुआ है, मल्टी मॉडल होगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं, चलिए सारा हटा देती हूँ, दूसरा एक कोई सैंपल है, दूसरा पॉपुलेशन है, उसमें आपने आपने अपना डेटा काउंट करना शुरू करा और आप ये जानना चाहते हैं कि उस एरिया के बच्चों के पास कितने टॉयज हैं। तो मान लीजिए एक के पास 20 है, दूसरे के पास 10 है, फिर तीसरे के पास 23 है, नेक्स्ट वाले के पास 45 है, फिर उसके बाद 33 है, देन 55 है, देन 12 है। आप देख सकते हैं हर डेटा है अपने में एक यूनिक है, यानी कि यहाँ पे किसी तरह का कोई रेपिटेशन नहीं दिख रहा है, और जिस वजह से इन सभी का फ्रीक्वेंसी 1 होगा। तो ऐसा डेटा हमारा जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, और इस केस में आपका मोड का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, यानी कि मोड यहाँ पे 0 होगा। तो अब अगर फिर से यहाँ पे ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे यूनिमोडल तब आपका कब होगा, जब आपके पास एक मॉडल वैल्यू होगी या एक मोड आएगा आपके डेटा में, दो मोड आ रहे हैं तो बाइमोडल, और अगर कोई भी नहीं आ रहा है तो आपका एक यूनिफॉर्म ग्राफ मिलेगा जहाँ पे आपका मोड 0 होगा, और अगर बहुत सारे मोड आ रहे हैं तो मल्टी मॉडल होगा। और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ ही हमारे चैनल पे गेट के भी PYQs डिस्कस होने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड के, और अगर टिफर से अपडेट चाहिए तो वो भी हम डालते रहते हैं अपने चैनल पे, आप तो वो भी जरूर देखिएगा जाके। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।